में दिल्ली के इंडिया गेट के सामने एयरटेल द्वारा आयोजित मैराथन में थर्ड स्थान प्राप्त किया, जिसका मेडल आपको हम दिखाते हैं। ये मेडल जो कि खुद एयरटेल ने स्पॉन्सर किया था और सर ने वहाँ थर्ड प्लेस प्राप्त किया। ये सबसे पहले हमारे मास्टर फान खान का स्वागत करेंगे, क्लैपिंग। देखिए ऐसा है कि मैं आपका स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर मैं 78 से हूँ और मार्शल आर्ट से जिला में YMCA से, जिसमें राजीव जी की हत्या हुई उस पर YMCA से मैंने कराटे वगैरह किया है। ऐसा नहीं है, ये आप लोग की जो नया युवक है ऐसा नहीं, अभी हमारी मैं 55-56 को मैं क्रॉस कर रहा हूँ मैं, और इसका ये हम लोग इसलिए देते हैं मैराथन वगैरह इसलिए कर रहे हैं कि आपके जो नव युवक है ये आगे आए। वेरी गुड, नव युवक आगे आए। अभी ऐसा नहीं, मेरा 2007 से लेकर 2012 तक मैं इंडिया का एसेट हूँ मैं, और मैंने अपने लाइफ के अंदर में मैंने कहा जीतना आदमी का एक एम होना चाहिए। जब तक आपका एम है, फिजिकली एक एम है कि आपने जीत हासिल करनी है, तो आपकी जीत पक्की है। एक एम टारगेट को लेकर चले आप किसने, अभी इसके बाद में इसी उपलक्ष में बच्चे कर रहे हैं, इसी उपलक्ष में आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि अभी 20 फरवरी की जो मवाने के अंदर जो मैराथन हो रही है दिल्ली के अंदर में जी, तो मैराथन काफ़ी क्रिटिकल फाइट्स है और आपस में चैलेंज भी है। जहाँ तक है मथुरा का झंडा फिर एक बार जरूर फहराएगा, क्योंकि अभी 2 मिनट टाइम है हमारे पास में। वेरी गुड, और ऐसा नहीं कि ये मार्शल आर्ट्स वाले बच्चे हैं, मार्शल आर्ट्स सीख रहे हैं, तो हम लोग अभी ये भी गैदर कर रहे हैं कि मार्शल आर्ट वाले बच्चे जो है मैराथन में भी जाएँ, क्रॉस कंट्री में जाएँ, और वी आर गोइंग टू मॉडिफाइड द बॉयज मल्टीपर्पज। वेरी नाइस, ये नहीं जैसे अभी 24 जी ने ये भाई साहब ने हमसे जिक्र किया व्हाट यू डॉन्ट शूट, क्या आप जूडो जानते हैं, मैंने उनको बोला उनको हाँ आप जूडो में भी आएंगे, हम आपका जूडो भी सिखलाने का जूडो सिखला। ऐसा नहीं, मार्शल आर्ट्स का एक कनेक्टअप है, जूडो बॉक्सिंग ये सब जो है हर ये हम लोग क्या है परिपक्व टीचर्स हैं, लेकिन हमारा इस लैब के अंदर ये है कि मथुरा स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर में जी, जिस बार दिल्ली में मैराथन दी गई, दिल्ली के अंदर में जब अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट जब पूछा गया कि आप बड़े आदमी देखे मैराथन दे रहे हो, आपके नव युवक क्या है, तो हमने उनसे अपनी जान बचाने के लिए यही बोला कि अभी जवान ठोकरों को हमने पिंजरे बंद कर रखा है, अगली बार उनको निकालेंगे। इसलिए क्या नेक्स्ट अभी जो मवाना के अंदर जो मैराथन हो रही है दिल्ली के अंदर, मवाना मैराथन हो रही है, इस बार मथुरा का झंडा हम लोग अभी काफ़ी आपस में सब लगे हुए हैं, सब प्रैक्टिस चल रही है, मथुरा का झंडा इस बार फहराएगा। और मथुरा जो मतलब क्या है कि यूपी, मथुरा ही नहीं ऑल यूपी इस गेम के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जहाँ तक जाते हैं, और मैं जो कि आज आपसे बच्चों के सामने वादा करता हूँ कि मथुरा का झंडा 56 ईयर में एक बार फिर लहराए।